हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पैम्स किचन एंड दिस इज प्रोमिला वर्मा। आज की हमारी जो रेसिपी है गोभी की रेसिपी है, और यानी कि कॉलीफ्लावर, लेकिन एक बहुत ही अलग स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये। तो ये गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैं कढ़ाई में ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें मैं डाल रही हूँ छोटे छोटे बारीक से कटे हुए आलू, 2 आलू हैं ये। तो इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे, यानी कि इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे इसको ऑयल में। और इतने में ये मैंने एक गोभी का फूल लिया है, इसके डंठल नीचे से काट लिए हैं, अच्छे से इसको गर्म पानी से वॉश कर लिया है, और ग्रेटर के कद्दूकस की मोटी साइड से हम इसको ग्रेट करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके छोटे टुकड़े करेंगे, चेक करेंगे कोई इसमें कुछ है तो नहीं, कीड़ा वगैरह या कुछ भी ऐसा। और फिर उसके बाद अच्छे से हम इसको ग्रेट कर लेंगे मोटी साइड से, ये देखिए इस तरह से। और ये बहुत जल्दी ग्रेट भी हो जाता है। और इतने में हमारे जो आलू मैंने ब्राउन होने के लिए, तलने के लिए रखे हुए थे, वो तल गए हैं। उसको निकाल के अब मैं डाल रही हूँ जीरा, अजवाइन, और ये 2 मीडियम प्याज हैं। और ये 4 to 5 serving बन रही है। आप जितनी सर्विंग बनाना चाहते हो अकॉर्डिंगली आप इसको अपना सामान जो है ले सकते हैं। तो ये प्याज को हल्का ब्राउन करते हुए एक छोटा अदरक का पीस ग्रेट करा हुआ, तो इसको भी मैं इसके साथ मिक्स करके इसको भी थोड़ा सा हम पका लेंगे। और एक छोटी कटोरी हरे मटर है ये, आजकल मटर बहुत अच्छे मार्केट में आ रहे हैं, तो इन मटरों को भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और फिर मैं डालूंगी इसमें गोभी जो मैंने ग्रेट करी है। तो ये गोभी को भी हम इसमें डाल करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये जो ग्रेटेड गोभी है, यानी कि गोभी कीमा जो स्टाइल है हमारा, वो एक बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। जब भी आपको लगे गेस्ट आने वाले हैं, आप फटाफट से बनाए, 5 मिनट में रेडी हो जाती है ये। और टेस्ट भी इसका रेगुलर जो हम गोभी बनाते हैं उससे बहुत अच्छा होता है। 2 हरी मिर्च मैंने काट के डाली हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें मिक्स करते हुए अब इसमें जो मैंने आलू ब्राउन करके तल के रखे हुए थे वो भी हम मिक्स कर देंगे। अगर आपको आलू नहीं डालने तो आप सिर्फ गोभी और मटर से भी ये बना सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब चीज़ें जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको हम मिक्स करेंगे सब्जी के साथ। हल्दी से वैसे भी कलर बहुत ही अच्छा आता है, और आजकल तो हल्दी के बहुत ही गुण गाए जाते हैं कि हल्दी वाला दूध पिएं, हल्दी वाला शॉट लें, हल्दी का ये करें। बट हम इंडियंस जो हैं, हमारी सब्जियों में हल्दी वैसे ही इतनी चली जाती है कि हमें इन सब चीज़ों की एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस तरह से सब्जियों को मिक्स करके, और इसको अब हम 3 से 4 मिनट के लिए स्लो गैस पे पकने देंगे। और ये देखिए बस 4 मिनट में ही ये जो है हमारी सब्जी बनके रेडी हो जाती है। अब इसमें मैं अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, थोड़ा सा आधी कटोरी ग्रेटेड पनीर डाला है। और अब मैं आमचूर, सब्जी मसाला और गरम मसाला डाल के ये सब चीज़ें मिक्स कर दूंगी। पनीर को भी हल्का सा हम भून लेंगे। पनीर डालने से जो है ना, इस कीमा गोभी का एक स्वाद बिल्कुल ही अलग हो जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए हमारी सब्जी बनकर रेडी है, कितनी सुंदर लग रही है देखने में, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, परांठे के साथ, अगर वो भी मन नहीं है तो चलो ब्रेड के साथ ही खा लो। तो गार्निश करेंगे इसको हरी धनिया से और हरी मिर्ची से। तो लग रही है ना सुंदर, आप भी बनाइए, खाइए, वीकेंड एंजॉय करिए अपना। ज़्यादा मन नहीं है बनाने का कुछ भी, तो फटाफट से 5 मिनट में ये खड़े होके क्विकली सी सब्जी बन जाती है।
तो गाइस फिर मिलेंगे हमारी एक नई रेसिपी के साथ. अंटिल देन कीप कुकिंग एंड बाय बाय. और पैम्स किचन को देखते रहिए, फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, और देखते रहिए पैम्स किचन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.